मंत्री जी का धड़ा इसलिए किया गया है जो इस बार जो बाढ़ आई तो बाढ़ आने के बाद हर बार कोसी तटबंध के अंदर के 11 पंचायतों को पूर्ण रूपेण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाता था, लेकिन इस बार सभी पंचायत में कुछ वार्ड को घोषित कर दिया गया है और कुछ वार्ड को बाढ़ प्रभावित नहीं माना गया है। तो हम कोसी तटबंध के अंदर के सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों और जनता मिलकर मंत्री जी से मिलने आए थे कि जिस तरह वर्षों से ये बाढ़ आपदा सहायता राशि मिलती आई है उसी तरह कोसी तटबंध के अंदर को बाढ़ आपदा सहायता राशि पूर्ण पंचायत को घोषित कर और राशि दिया जाए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला जो हम जाकर के अभी बैठक उसी संदर्भ पे वहाँ जिला में बैठक होगी और हम वहाँ जाकर के प्रशासन के साथ बात करेंगे और समीक्षा के बाद इसे फिर घोषणा की जाएगी और हम लोगों को मिलने का समय भी दिया गया है 8 बजे हम लोग फिर सभी जनप्रतिनिधि जाकर सहरसा में मिलेंगे। कितना देर तक मंत्री जी का घेराव किया गया? यहाँ हम लोग घेराव नहीं किया, मांग किया, हम लोग अपनी मांग रखने आए और उन्होंने हम लोगों की मांग बहुत उदारता पूर्वक से सुने हैं और उसके बाद फिर हम लोगों को आश्वासन दिए जो वहाँ मिलिए टीम में जो बैठक होगी समीक्षा के बाद और फिर शाम में मिलने के बाद हम लोगों को बताया जाए। क्या शुभ नाम हो आपका? शांति लक्ष्मी चौधरी और महसी प्रखंड से हूँ, आरापट्टी पंचायत की मंत्री जी का घेराव इसलिए किया गया है जो इस बार जो बाढ़ आई तो बाढ़ आने के बाद हर बार कोसी तटबंध के अंदर के 11 पंचायतों को पूर्ण रूपेण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाता था, लेकिन इस बार सभी पंचायत में कुछ वार्ड को घोषित कर दिया गया है और कुछ वार्ड को बाढ़ प्रभावित नहीं माना गया है। तो हम कोसी तटबंध के अंदर के सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों और जनता मिलकर मंत्री जी से मिलने आए थे कि जिस तरह वर्षों से ये बाढ़ आपदा सहायता राशि मिलती आई है उसी तरह कोसी तटबंध के अंदर को बाढ़ आपदा सहायता राशि पूर्ण पंचायत को घोषित कर और राशि दिया जाए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला जो हम जाकर के अभी बैठक उसी संदर्भ पे वहाँ जिला में बैठक होगी और हम वहाँ जाकर के प्रशासन के साथ बात करेंगे और समीक्षा के बाद इसे फिर घोषणा की जाएगी और हम लोगों को मिलने का समय भी दिया गया है 8 बजे हम लोग फिर सभी जनप्रतिनिधि जाकर सहरसा में मिलेंगे। कितना देर तक मंत्री जी का घेराव किया गया? यहाँ हम लोग घेराव नहीं किया, मांग किया, हम लोग अपनी मांग रखने आए और उन्होंने हम लोगों की मांग बहुत उदारता पूर्वक से सुने हैं और उसके बाद फिर हम लोगों को आश्वासन दिए जो वहाँ मिलिए टीम में जो बैठक होगी समीक्षा के